ये है मेरा गाइस एडिटिंग रूम सब एक था नितिन एक था कीटाणु बस बस निकल गई तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला? क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें। और लाइफस्टाइल तो मेरी इतनी बड़ी है, आपको पता ही है। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद, मतलब एक डेढ़ साल बाद। इससे पहले मैं मिनी ब्लॉग बनाता था, लॉन्ग ब्लॉग एक भी नहीं बनाता था। तो मिनी ब्लॉग अब थोड़े रेगुलर, मिनी ब्लॉग भी रेगुलर आएंगे, लेकिन अब ये लॉन्ग ब्लॉग भी रेगुलर आएंगे। तो मैं वैसे 4 साल से हूँ यूट्यूब पे, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई है या फिर उससे बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ। और यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, रेगुलर मांगती हैं चीज़ें। तो रेगुलर हो जाओगे तो बेनिफिट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आज का हमारा सबसे पहले काम ये है कि हमारे घर पे हो गया सिलेंडर ख़त्म। अब हमें वो सिलेंडर भरवाना है, तभी हमें रोटी मिलेगी और तभी मैं जिम की डाइट बना पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं सिलेंडर भरवाने। उससे पहले मिलवाते हैं हम आपको अपनी नानी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ये है हमारी नानी जो ऐसे बैठ के खाना खा रही है। क्या कर रही हो नानी तुम? खाना खा रही हूं। मोबाइल नहीं चलाओगी? मोबाइल नहीं चलाना आता ही नहीं, चला ही नहीं पाल, मोबाइल कहाँ चलाएंगे। हमारा सिलेंडर जो हमें भरवाना है अभी। नितिन, ये हमारे छोटे भाई शेर, इन्हें खा लिया खाना पूरा, वीडियो के चक्कर में खाया नहीं था खाना। टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। ले लो नानी अब मोबाइल चलाओ। अभी तो चला रही थी, खूब कैमरा देख लिया तो नहीं चला रही हो? चला ये अपने आप ही उंगली करते 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 वो सीख गए मोबाइल चलाना। चला तो इतना तो चला ली थी कि फेसबुक पे वीडियो देख लो वाली। वो तो देख ले, सो गाना सुन ले, सब कुछ कर ले। सही बात, कीर्तन सुनता ही है। कल कीर्तन नहीं आएगा, हमने मोबाइल नहीं चलाऊ। कीर्तन भी देखती हो और वो भी देखती हो, वो वीडियो सास बहुए वाली वीडियो भी देखती है। हाँ वही बाइक, पैसे मोबाइल में से ही दे दूं। तो जा रहे हैं हम सिलेंडर भरवाने अपनी धन्नों के साथ। आज अपनी धन्नों को भी दिखाएंगे। अबे चाबी तो लेगा दे, अभी सिलेंडर मुझे उठा के रखना पड़ेगा। ये रही हमारी धन्नो, ये है जिम की ताकत। मिलते हैं आपसे सिलेंडर भरवाने के बाद। दुकान बंद है क्या सिलेंडर वाली? शायद बंद है दुकान। अबे यार ये दुकान तो बंद है यार, यही तो है रोक रोक। सिलेंडर की दुकान बंद थी तो घर पे ही हमला मोल दिया। तो पढ़वा लियो अपनी। बारह सिलेंडर ले लिया, घर पे ही हमला मोल दिया, दुकान बंद थी। हमारी दादरी की सस्ती ऑपरेटिंग रोड, सॉरी ऑपरेटिंग रोड, ऑपरेटिंग रोड। अरे कहना क्या चाहते हो? जा तू रख दे अंदर गाड़ी, सिलेंडर लेके भी तू ही जाएगा अंदर। ये हमारा रेंटल किराए का घर, क्योंकि हम लोग रहते किराए से हैं दादरी। ये है असली जिम की ताकत। देखो सुन नहीं कीर्तन, ये देखो मॉडर्न नानी, आज के जमाने की नानी है हमारी। कपड़े तो गंदे हो गए, नहा लें क्या? चलो नहा धो के मिलते हैं गाइस। तो नाक के सूत पे मिक्सी उठाता हूँ और अपनी पहली मील लेता हूँ, जो कि है बनाना शेक विद प्रोटीन। दो केले डालता हूँ और थोड़े से चिया सीड्स, और फिर दूध डाल के कर देता हूँ काम तमाम। यह फ्यूल वन का प्रोटीन,
जो खत्म हो चुका हो। अरे तो जब इतना चला लिया तुमने मोबाइल, मैं फेमस हो गया तो तुम भी बनाना स्टार्ट कर देना। क्यूँ इसमें इतना ज्यादा टफ क्या है? एडिटिंग मैं कर दिया करूंगा और बनाना तुम करना, और अपने गाँव रहना बैरिसाल और खूब पैसा कमाना यूट्यूब से, दुकान खोल लेना वही बिजनेस के तौर पे। सही है काम। सुंदर से क्या है, सुंदर तो दुकान चलती है क्या? यहाँ मजा इसलिए आता है गाइस, कितनी तगड़ी बालकनी है देखो। तो आज है मेरा एमबीए नामक डिग्री का, क्या है क्या कर रहा है ये है मेरा गाइस एडिटिंग रूम, इट्स मींस बाथरूम। बाथरूम में एडिटिंग करता हूँ क्योंकि यहाँ शोर शराबा ज्यादा आता है ना ट्रैफिक वगैरह का, तो इसलिए बाथरूम में एडिट करता हूँ, यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस कम आती है। तो मिलता हूँ आपसे एडिटिंग करने के बाद। तो फाइनली शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट कर ली है गाइस, कर ली मैंने तो शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग। सो जा, आप काहे को देख रही हो? हेलो गुड नाइट। तो हमारे साथ कौन है भाई? कीटाणु। राम राम भाई। राम राम कहीं नहीं, ये सोता भाई साहब रात के 10 बजे और सुबह को उठता 12 बजे, भाई साहब 13-14 घंटे की नींद लेता पूरी। तू सच में कीटाणु है क्या भाई, ये बता। और क्या, जब तुमने इतने प्यार से नाम रखा तो हूँ भाई। प्यार से नाम रखा, बहुत तगड़ा नाम रखा है कीटाणु भाई, 14 घंटे सोता है। तो भाई साहब ये 14-15 घंटे की नींद लेता है, यहाँ 8 घंटे की नहीं हो पाती। तो और क्या हाल है भाई, सब बढ़िया? जो देख रहा भाई सबको राम राम, लाइक शेयर दिखाना भाई, इनकी मूंछ को सपोर्ट दिखाओ भाई, मूंछ ऐसी देखो कि सब चार लौंडे कह रहे यू कूण आ गा। कूण कूण यू का कह रहो कि गाइस ये नोएडा की भाषा है, नोएडा दिल्ली एनसीआर में ऐसी भाषा चलती है। तू का कह रहो, तू कहाँ जा रहो, इंगे को आया जा। हाँ सिलेंडर तो भरा है, 10:30 बजे लगाई दो, 9:30 आओ सवेरे, कहीं नहीं तुम्हें सुना नहीं नहीं बता देते हैं, उसकी बार भी बार बार पूछती है भरो कि नहीं भरो, बता दो तो माने 9:30 से भरो, 9:30 से भरे हो, 9:30 से भरे हो सिलेंडर भरे हो। अबे ये कीर्तन है, इसमें ऐसे डांस नहीं करना, लुगाइयों वाला डांस कर, लुगाइयों वाला। हम तीन लोग थे दादरी से आए, हम स्ट्रगल करते करते यहाँ तक आए, हम में तीन लोग थे, ऋषभ नितिन, इन्हें एक आदमी को बुलाया कीटाणु को तो कीटाणु को कही थी मैं कॉफी पॉफी नहीं खाता क्योंकि मैं बिग बॉस जाके ट्रॉफी लेके आता हूँ। नेजीदा इनको इतना फेमस होना है कि वॉशरूम जाने के लिए भी चप्पल पहन के नहीं जाते, तो गाड़ी से जाते। नेजी दबा को टट्टी लग गई तो वो ऊपर चला गया सोचने के। यो 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 यो। ओ भाई तगड़ी स्केल है भाई सब कीटाणु के अंदर। तो ये देखो गाइस मैं इंटर्नशाला पे, अबे रुक जा दो मैं, अब क्या नागमणि लेके जाएगा, रुक जा दो मैं, रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। तो गाइस मैं इंटर्नशाला पे अपनी क्या बोलते हैं अपना रिज्यूम बना रहा हूँ, बिकॉज मेरी 1 साल MBA की कंप्लीट हो गई है, जैसा कि आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में देखा ही होगा, अभी जस्ट मेरे पेपर खत्म हुए। रुक जा, तो अब मैं क्या बोलते हैं इंटर्नशाला पे ये रिज्यूम बना रहा हूँ जिससे मुझे इंटर्नशिप मिल जाए। कीटाणु जो है गेनर ले रहा है तो शरीर बढ़ रहा है इसका, देखिए फ्लैक्स करिए तगड़ा। देखो आर्नोल्ड का बाप लग रहा है अभी ये। चलो यार सब, एक था नितिन एक था कीटाणु, तीनों ने ब्लॉग बना के दिखा दिया। चलो भैया नहाने चलते हैं, ब्लॉग बाद में चल रहा है, बस इंटर्नशिप पे ये रिज्यूम अपलोड कर दूं। देखिए चेस्ट यार भाई चल लो यार, तुमने 1 घंटा लगा दिया नहाने पे, एक तौलिया ले लियो बस, ले लेना शैम्पू भी। हम जा रहे हैं नीचे समर में नहाने पाइप से, कीटाणु की समर। ओए कीटाणु कहाँ ये है, कहाँ
कहाँ है बे? क्या हो गया? कहाँ फंस गई गाड़ी? देखना गाइस इसने गाड़ी कहाँ फंसाई है। अब ये कैसे करी है? ईट ईट लगा दू? हाँ ईट लगाना पड़ेगा। उंगली करने की जरूरत क्या थी? अबे तो तेरे को उंगली करने की दिक्कत क्या थी? वे उंगली क्यों करी इसमें? गधे तुझे पता जब इधर कीचड़ है तो फंसेगी वो। तो आगे नहीं पीछे लगा, पीछे पीछे आगे वाला टायर चलता पीछे? नहीं नहीं पीछे पीछे। यही लगाऊं? हाँ यहाँ लगा, एक यहाँ लगा दे बस। यहाँ तो पानी भर रहा है बस। किटानो ना किटानो वाली हरकत कर दी गाइस। हैंड ब्रेक नीचे। बस बस निकल गई निकल गई। हाँ बढ़िया। बस बस निकल गई निकल गई निकल गई। बस छोड़ दे, लाजा ना रहे हो। पापा से छुप के गाड़ी लेके आया था। पापा ये ब्लॉग देखेंगे तब तो देख ही लेंगे कि हमारे बच्चे ने करा क्या है। अबे कुछ मत कर ना, चल के चल। अब पानी मोबाइल में डालना। ओए जरा मेरे पैर पैर में डाल। मैंने चार्जिंग सॉकेट सही करवाई, उसमें पानी चला जाएगा फिर। यार ये और नितिन भाई, चलो भाई अभी हम नहाने के बाद मिलते हैं। लेट जा कुछ नहीं होगा। लेट जा, सांप थोड़ी ना होगा उसमें। डाले अब कीटाणु के ऊपर पानी डाल जल्दी। तो हम बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से बिना दिमाग में कीड़ा उत्पन्न किए हुए नहा धो के राजा बाबू बन जाते हैं। तू ये बता, तू तो कभी नौकरी करेगा क्या करेगा तू? ये बिल्कुल सही चीज बोली एक और बोली। उसके बाद पता नहीं मुझे नींद के नशे कहाँ से लग जाते हैं, मैं खाना पीना खा के सो जाता हूँ। भाई रेडी हो गए हैं जिम के लिए, पर एक दिक्कत है। इन्हें देखो, टाइम देख लो भाई, 5 बज गए और इनने कही थी 4:30 बजे जाएंगे जिम। क्या मजे से सांस ले रहे हैं भैया, उठ जाओ। तो गाइस सो के उठ चुके हैं अब और शाम के बज गए 5:08 और अब जा रहे हैं हम लोग जिम। मेरे साथ जा रहा कीटाणु चले और नानी बैठी है मैक्सी में। नानी मजा आता कंफर्टेबल है? तेज बोलो तेज। आ रहा हूँ मजा। इसमें बर्फ डाल के ले जा रहा हूँ भाई साहब, देखो। तो भाई आ गए हम जिम। ये हमारी जिम, अपनी अंडरग्राउंड वो है जिम है। लाइट चालू कर लो। आज हम मारेंगे शोल्डर। शोल्डर है ना आज अपनी? तेरी कौन सी है? ट्राइसेप है मेरी। मैं शोल्डर और थाई। सबसे पहले मैं एक प्लेट लेके ऑल ओवर शोल्डर को कवर करता हूँ और वार्म अप करता हूँ। टट्टी निकल जाएगी, ज्यादा मत कर। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, तो सुना भाई कैसा? बहुत लेट आए भाई, वो का अंडा सा निकालता। कॉम्पिटिशन और ये है हमारे ट्रेनर और कोच दोनों। सेपरेट जिम है क्या गर्ल्स के लिए? तो मैंने बोल दिया कि भैया गर्ल्स के लिए सेपरेट तो नहीं है, मतलब गर्ल्स आती है यहाँ करने। मारने जा रहे हैं पहली एक्सरसाइज डंबल। अच्छा डंबल प्रेस भाई, हैवी वेट से कोशिश कर रहे हैं लेने की, देखते लगते हैं कि नहीं लगते। हाँ ये चीता दूसरा सेट होता है सिंगल एंड डंबल। फिर हमारा तीसरा सेट आता अपराइट रॉड। फिर हमारा चौथा सेट आता शोल्डर प्रेस कर्ल। इसके मैं 20 से 25 रैप लगाता हूँ।
फिर आता हमारा फिफ्थ सेट सिंगल करल डंबल, जो कि मैं लाइट वेट से 50 रेप्स निकालता हूँ। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? नहीं करती तो भाड़ में जा। यहाँ तो बाइसेप्स और शोल्डर एक साथ लगाई जा रही है भाई। ये तेरा पेट तो निकल रहा है यार। फिर लास्ट रैप्स मार के हम करते थे खत्म। चले गुल्लू भाई, बस यहाँ पे लाइट नहीं है भाई साहब, पानी भर जाता जिम में। अबे ऐसे ही तो मेरे को भी बोलना पड़ता था कि जब मैंने नेविको सॉल्यूशन कंपनी में काम किया था ना, मेरे को ही बोलना पड़ता था हेलो आई एम ऋषभ सिंह चौहान है, आई एम फ्रॉम नेविको सॉल्यूशन कंपनी। फिर उसके बाद इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती थी, वहाँ से थोड़ी बहुत इंग्लिश सही हो गई मेरी। नानी मम्मी आ गई, मम्मी बोल रही थी कढ़ी बना लेना क्योंकि आज वो है। अरे हमने आलू बना ले पहले, मम्मी वो ना खुलो। अरे मम्मी तुमको फोन लगाती रह रही है, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। बोल रही थी आज कृष्ण जन्माष्टमी का वो है तो आज तीज है तो कढ़ी बना लो। क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसा गया तुम्हारा दिन आज का ड्यूटी का? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नहीं सपोर्ट करती है मेरे को मम्मी, जब से शिवानी का देख लिया तब से सपोर्ट करती है। बोला कि और का सही है, 6 महीने करके देख लो। बोला करो खूब। और मैं इनसे बोलता हूँ तेज आवाज में बोलो तो तेज आवाज में बोलने लगती है। 6 महीना पूरे लगातार भरोसा करो, मेहनत करो दम भर। मेहनत तो दम भर करूंगा, अब तो रोड डालूंगा। तो गाइस टाइम हो गया 8:41 और हम लोग ब्लॉग को आज यहीं एंड कर रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और जो सब्सक्राइब बटन है उसे तोड़ दो।